सो अब मैं मिलूंगा आपसे जिम में। आज मेरा जो वर्कआउट होने वाला है वो होने वाला है चेस्ट वर्कआउट। मैं आपको दिखाऊंगा इनक्लाइन चेस्ट एंड फ्लाइज बताऊंगा, इनक्लाइन फ्लाई बटरफ्लाई। सो इसमें बहुत सी मिस्टेक्स लोग करते हैं। सो दीज आर द मेन मसल जिसको मैं आज हिट करूंगा। एंड लास्ट टाइम मैंने 25 वेट से 8 रेप्स निकाले थे, बट दिस टाइम आई विल ट्राई मोर प्रोग्रेसिव लोड। 25 से 10 टू 12 रेप्स की मैं पूरी कोशिश करूंगा। रिमेंबर कि आपको हमेशा पिछली बार से ज़्यादा पुश करना है, तभी आप मसल्स पर प्रोग्रेसिव ओवरलोड पड़ेगा एंड न्यूट्रिशन से आप उसको रिकवर करके मसल को और ग्रो कर पाएंगे। अभी गर्मी आ गई है तो मैं गर्मी के लिए अपने वर्कआउट नींबू पानी पीता हूँ नमक के साथ। सो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, बहुत ही बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है एंड एनर्जी रहती है। तो आई विल मीट यू इन द जिम। ताऊ जी केले का रेट बताओ। 40 रुपए। 40 के बाहर है। अच्छा। हो गया ना साहू जी, अंगूर अच्छे से लग रहा है साहू जी। जी हमारे केले
ये लो, मेरे पास 5 रुपये बचा है। आज का व्लॉग कम टू एन एंड, शायद तक जबलपुर में फिर से जिम बंद हो सकते हैं ऐसा सुनने में आ रहा है। और गवर्नमेंट का तो यही होता है ना कि 4-7 दिन बताते हैं, उसका 7 दिन जब हो जाते हैं तो फिर और एक्सटेंड कर देते हैं। मैं व्लॉग्स डालता रहूँगा, चाहे मैं होम वर्कआउट्स बताऊँगा, चाहे मैं अपने डेली एक्टिविटी क्या करता हूँ वो बताऊँगा। बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करके रहूँगा। हर वीडियो में या तो वैल्यू ऐड होगी या तो फिर आपको एक इन्जॉयमेंट मिलेगी। तो इसी के साथ जिन्होंने भी अभी तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। एक चीज़ और बोलूँगा, मैं इंस्टाग्राम पर बहुत हेल्दी रील्स डालता हूँ, तो वहाँ पर जिसने भी फॉलो नहीं किया स्क्रीन पर यूज़र नेम डाल दूंगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन है, अर्पित दुबे है इंस्टाग्राम, वहाँ पर आके मेरे को फॉलो करो एंड जो भी बात करनी है वहाँ बात करूँ, मैं वहाँ हमेशा एक्टिव रहता हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को लाइक कर देना, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है और अच्छे वीडियोज़ और व्लॉग्स बनाने की। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अगर सब्सक्राइब भी कर दिया तो थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।